हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू वीकली करंट अफेयर सीरीज। ये इस सीरीज की फिफ्थ वीडियो होगी और इस वीडियो में 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स होंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। इस क्विज में आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। सो गाइस, लेट्स गेट रेडी फॉर द क्विज। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच स्कीम हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 अंडर द कैटेगरी इनोवेशन सेंट्रल। नवाचार केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन ए, उड़ान। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फास्ट बॉलर टू टेक 150 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। दीज आर योर ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट एवर रेडियो चैनल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड नेम रेडियो अक्ष बीन लॉन्च्ड। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम रेडियो अक्ष है, कहाँ लॉन्च किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन डी, नागपुर। नागपुर में इस रेडियो चैनल को लॉन्च किया गया है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये रहे आपके ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 17 अप्रैल। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड हेरिटेज डे इन 2022? विश्व विरासत दिवस 2022 में कब मनाया गया? ये रहे आपके ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप गाइज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 18 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अ 108 फीट टॉल स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? दीज आर योर ऑप्शन गाइज एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप गाइज, इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज इनॉग्रेटेड द 40th एडिशन ऑफ हुनर हाट इन मुंबई? दीज आर योर ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने मुंबई में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड क्रिकेटर हैमिस बेनेट हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ही वाज। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैमिस बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह क्या थे? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन बी, पेसर, मतलब फास्ट बॉलर। ये न्यूजीलैंड के एक फास्ट बॉलर थे जिन्होंने हाल ही में अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। आपका अगला क्वेश्चन है, विच यूक्रेनियन एंटी शिप क्रूज मिसाइल डिस्ट्रॉयड द रशियन नेवी मिसाइल क्रूजर मॉस्कवा? दीज आर योर ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन डी, नेपच्यून। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has been appointed as the chairman and managing director of Air India Asset Holding? ये रहे आपके options और आपका समय शुरू होता है अब। Time up guys, इसका answer है option A, विक्रम देवदत्त। आपका अगला question है, द जालियांवाला बाग मासेकेयर ऑल्सो नोन एज द अमृतसर मासेकेयर टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919। दिस ईयर वी कमेमोरेट द डैश एनिवर्सरी ऑफ द टेरर अटैक। इस वर्ष हम आतंकवादी हमले की कौन सी वर्षगांठ मना रहे हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 103rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following digital payment services has become an official digital payment partner for PM's museum in Delhi? ये रहे आपके options and your time start now.
Time up, guys. The correct answer is option D, Paytm. Next question is, who has been awarded the Director of the Year award for 2021? These are your options. And your time start now. Hurry up, guys. Jaldi jaldi comment kijiye. Time up, guys. इसका आंसर है ऑप्शन डी सुजीत सरकार. सुजीत सरकार को फिल्म सरदार उद्धम के लिए 2021 का डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है. आपका अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द हाईएस्ट इंडियन नेशनल फ्लैग एट द इंडियन नेशनल आर्मी कॉम्प्लेक्स. भारतीय राष्ट्रीय सेना परिसर में कौन सा राज्य उच्चतम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी करेगा. ये रहे आपके ऑप्शंस और ये रहा आपका टाइमर. टाइम अप गाइस. इसका आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन गोल्ड मेडल इन द मेन्स 200 मीटर बटरफ्लाई कैटेगरी एट द दानिस ओपन स्विमिंग. दीज आर योर ऑप्शंस गाइस एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. टाइम अप गाइस. इसका आंसर है ऑप्शन डी साजन प्रकाश. साजन प्रकाश ने डेनिस ओपन स्विमिंग में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है और वेदांत माधवन इन्होंने 800 मीटर फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और 1500 मीटर फ्री स्टाइल कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है. वेदांत माधवन ये एक्टर आर माधवन के बेटे हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इट विल बिल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल एट सिंकुला पास. व्हाट विल द हाइट ऑफ द टनल बी. इस टनल की हाइट क्या होगी. ये रहे आपके ऑप्शंस गाइस और आपका समय शुरू होता है अब. टाइम अप गाइस. इसका आंसर है ऑप्शन बी 16,580 फीट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली प्रफुल्ला कर पास्ड अवे ही वाज. वे क्या थे. ये रहे आपके ऑप्शंस और ये रहा आपका टाइमर. टाइम अप गाइस. इसका आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. प्रफुल्ल कर जो सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है. आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर इज इथोस डिजिटल ओपन इट्स फर्स्ट आईटी ट्रेनिंग एंड सर्विसेज सेंटर. इथोस डिजिटल ने अपना पहला आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र कहाँ खोला है. ये रहे आपके ऑप्शंस गाइस और ये रहा आपका टाइमर. टाइम अप गाइस. इसका आंसर है ऑप्शन ए ले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पोर्टल दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज टू स्पीड अप एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन क्लेम्स. उस पोर्टल का नाम बताइए जिसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने के लिए विकसित किया गया है. आपके ऑप्शंस ये रहे एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. टाइम अप गाइस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ई सड़क. इस पोर्टल का नाम ई सड़क है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड लिवर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर. विश्व लिवर दिवस हर साल कब मनाया जाता है. Here are your options, guys. And your time start now. Time up, guys. The correct answer is option D, 19th April. Next question is, who has been appointed as US Vice President Kamala Harris, Executive Secretary and Defense Advisor? अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब. टाइम अप गाइस. इसका आंसर है ऑप्शन सी शांति सेट्टी. अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन आर्मीज थ्री शक्ति कॉर्प्स कंडक्टेड एक्स कृपान शक्ति एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज को कहाँ आयोजित किया गया था. ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब. टाइम अप गाइस. इसका आंसर है वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has been appointed as the next chief of army staff? अगले सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. These are your options, guys. And your time start now. Time up, friends. The correct answer is option A, मनोज पांडे. इन्होंने MM नरवाने को रिप्लेस किया है और ये इंडिया के 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज द सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप बिन हेल्ड. सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है. ये रहे आपके ऑप्शंस और ये रहा आपका टाइमर. टाइम अप फ्रेंड्स. इसका आंसर है ऑप्शन ए मंगोलिया.
Your next question is, the wholesale price index, best inflation in India in the month of March, rose to dust due to an increase in power prices and rising edible oils. बिजली की कीमतों में वृद्धि और खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण मार्च के महीने में भारत के थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति बढ़कर कितनी हो गई है? Here are your options guys and the time start now. Time up friends. इसका आंसर है ऑप्शन बी 14.55%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which city will be the first in the country to get 100% digital buses with a tap in and tap out facility? Tap in and tap out सुविधा के साथ 100% digital बसें पाने वाला देश का पहला शहर कौन सा होगा? ये रहे आपके options और ये रहा आपका टाइमर. Time up guys. इसका आंसर है ऑप्शन ए मुंबई. Your next question is, which state or UT has launched an e-library initiative named e-kitab kosh? किस राज्य ने e-kitab kosh नाम से एक e-library पहल शुरू की है? ये रहे आपके options. And your time start now. Time up guys. इसका आंसर है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर. Your next question is, which state or UT has launched education song इरादा कर लिया है हमने? These are your options guys. And your time start now. Time up friends. इसका आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली. Next question is, who has been appointed as the country head for India by the IT major Wipro? Here are your options guys. And your time start now. Time up guys. इसका आंसर है ऑप्शन सी सत्य ईश्वरन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे ऑब्जर्व ग्लोबली? संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? ये रहे आपके ऑप्शंस गाइस एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. टाइम अप फ्रेंड्स. इसका आंसर है ऑप्शन बी 20th अप्रैल. हर साल 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है. अगला क्वेश्चन है, Where is India's first portable solar rooftop system unveiled? भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? These are your options guys and your time start now. Time up friends. इसका आंसर है गांधीनगर. Next question is, which of the following grandmasters has won the 48th La Roda International Open Chess Tournament title? निम्नलिखित में से किस ग्रैंडमास्टर ने 48वां La Roda International Open शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? ये रहे आपके ऑप्शंस गाइस और ये रहा आपका टाइमर. टाइमर फ्रेंड्स. इसका आंसर है ऑप्शन डी डी कुकेस. अगला क्वेश्चन है, As per the Hurun Global Healthcare Rich List 2022, who has topped the list? Hurun Global Healthcare Rich List 2022 के अनुसार इस सूची में सबसे ऊपर कौन है? ये रहे आपके ऑप्शंस गाइस और आपका समय शुरू होता है अब. टाइम अप गाइस. इसका आंसर है ऑप्शन बी साइरस पूनावाला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन फॉर वन ईयर? एक वर्ष के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? हियर आर योर ऑप्शंस गाइस एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. टाइम अप फ्रेंड्स. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कमलेश नीलकंठ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जन निगरानी ऐप टू हेल्प पीपल लॉज देयर कंप्लेंट्स ऑनलाइन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूटी? इस ऐप को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस गाइस और आपका समय शुरू होता है अब. टाइम अप फ्रेंड्स. इसका आंसर है ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मेटावर्स प्लेटफॉर्म? मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर किस राज्य सरकार द्वारा स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस और ये रहा आपका टाइमर. टाइम अप गाइस. द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
which bank has won the Global Salient Model Bank Award for its Enterprise Payment Hub Initiative? किस बैंक ने अपने Enterprise Payment Hub पहल के लिए विश्व Salient Model Bank पुरस्कार जीता है? ये रहे आपके options. And your time start now. Time up guys. इसका answer है option A IndusInd Bank. Next question is, when is National Civil Services Day celebrated every year? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? Here are your options guys. And your time start now. Time up friends. इसका आंसर है ऑप्शन सी 21st अप्रैल. हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है. आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन्ड? भारत का पहला शुद्ध हरा हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन ये रहे. And your time start now. Time up friends. इसका आंसर है असम. Next question is, when is World Creativity and Innovation Day observed every year? विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? These are your options guys. And your time start now. Time up friends. The correct answer is ऑप्शन ए 21st अप्रैल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली कर्नाटका चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड दैट द अंडर कंस्ट्रक्शन सेवामोगा एयरपोर्ट विल बी नेम्ड आफ्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डैस. कर्नाटक के किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर सेवामोगा एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा? ये रहे आपके ऑप्शंस गाइस. एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. टाइम अप गाइस. इसका आंसर है ऑप्शन सी बीएस येदियुरप्पा. अगला क्वेश्चन है, When will the 4th edition of the International Conference and Trade Fair on Wind Energy be organized in New Delhi? पवन ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और व्यापार मेला का चौथा संस्करण नई दिल्ली में कब आयोजित किया जाएगा? ये रहे आपके ऑप्शंस. And your time start now. Time up friends. इसका आंसर है ऑप्शन डी 27 से 29 अप्रैल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which country's central bank recently included a new payment system named Hello in the National Register of Credit Institution? किस देश के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में क्रेडिट संस्थानों के राष्ट्रीय रजिस्टर में Hello नामक एक नई भुगतान प्रणाली को शामिल किया है? Here are your options guys. And your time start now. Time up guys. इसका आंसर है ऑप्शन डी रसिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Recently, Patrick Achi was reappointed as the Prime Minister of which country? हाल ही में Patrick Achi को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ये रहे आपके options. और आपका समय शुरू होता है अब. Time up friends. The correct answer is option C, Ivory Coast. Next question is, which of the following districts has received PM's Award for Excellence in Public Administration in Khelo India? निम्नलिखित में से किस जिले को खेलो इंडिया में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? ये रहे आपके ऑप्शंस. और आपका समय शुरू होता है अब. टाइम अप गाइस. इसका आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. चूरू और बिशनपुर दोनों जिलों को ये अवार्ड दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज वर्ल्ड अर्थ डे 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? हियर आर योर ऑप्शंस गाइस. एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. टाइम अप गाइस. इसका आंसर है ऑप्शन ए 22nd अप्रैल. हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड अर्थ डे को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी कहा जाता है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर्मूला वन ड्राइवर कार्लो सेंज जेआर हैज एक्सटेंडेड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद फेरारी बाय डैश इयर्स. फॉर्मूला वन ड्राइवर कार्लो सेंज जूनियर ने फेरारी के साथ अपने अनुबंध को कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया है? दीज आर योर ऑप्शंस गाइस. एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. टाइम अप फ्रेंड्स. इसका आंसर है ऑप्शन सी 2 ईयर्स. कार्लो सेंज जूनियर ये स्पेन के फॉर्मूला वन ड्राइवर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अपना कॉन्ट्रैक्ट फेरारी के साथ 2024 तक
बढ़ा दिया है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन क्रिकेटर्स हैव बीन नेम्ड अमंग फाइव प्लेयर्स इन विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर इन द 2022 एडिशन ऑफ अल्मानेक। अल्मानेक के 2022 संस्करण में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में 5 खिलाड़ियों में से किन भारतीय खिलाड़ियों को नामित किया गया है। ये रहे आपके ऑप्शंस गाइस, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप गाइस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट यूनाइटेड किंगडम पीएम टू विजिट साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम का दौरा करने वाले पहले यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन बने। हियर आर योर ऑप्शंस गाइस एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन ए बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सिक्स्थ एंड लास्ट स्कॉर्पियन सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन मुंबई। प्रोजेक्ट 75 की छठी और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम बताइए जिसे हाल ही में मुंबई में लॉन्च किया गया था। ये रहे आपके ऑप्शंस गाइस, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी INS वक्सीर। सो गाइज, ये थे इस वीक के टॉप 50 क्वेश्चंस, और इन 50 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर क्या रहा इसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन सारे क्वेश्चंस के फैक्ट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरे डेली करेंट अफेयर्स के सीरीज में आपको मिलेंगे, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। सो गाइज, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। और इसी चैनल पर मैंने मार्च के इम्पोर्टेंट डेज की एक वीडियो अपलोड की थी, आप उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। सो गाइज, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।